सफर में आप कर रहे हैं जयपुर की सैर और प्रीति आपको घुमा रही है पूरा जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इस शहर का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं राजा जयसिंह टू ने इस शहर को सन 1728 में बसाया था। इस शहर की ऐतिहासिक परंपराएं, संस्कृति, कलाकृतियां बहुत पुरानी हैं। यहाँ के महलों और घरों में लगे लाल धौलपुरी पत्थरों की वजह से ही ये शहर गुलाबी नगरी कहलाता है। और आज हम जानेंगे इस शहर के किलों के बारे में। क्या है उन किलों का राज? तो चलिए देखते हैं और जानते हैं जयपुर के कुछ ऐतिहासिक किलों के बारे में। वैसे तो जयपुर शहर महलों किलों से भरा पड़ा है, पर यहाँ के तीन ऐसे किले हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है, और उन्हीं में से एक है आमेर का किला, जिसे अंबर का किला भी कहते हैं। ये जयपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर बसा है। आमेर का किला यहाँ के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस किले का निर्माण राजा मान सिंह ने 1592 में करवाना शुरू किया था, जो 1599 में बनकर पूरा हुआ। पर कुछ लोगों का कहना है कि किले का निर्माण आमेर शहर की मीनाओं ने किया था, जिस पर बाद में राजा मान सिंह ने शासन किया। आमेर के किले का इतिहास यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध विरासतों में भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि ये किला जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। इस किले को बनाने में लाल पत्थरों और सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। पर अगर आप किले को बाहर से देखेंगे तो ये चट्टानी किले के रूप में नजर आता है, लेकिन जब इस किले को आप अंदर से देखते हैं तो ये किला बेहद खूबसूरत है। किले की वास्तुकला मुगलों और हिंदुओं की शैली का एक अनोखा मिश्रण है। महल के अंदर की गई शाही नक्काशी ऐतिहासिक खूबसूरती को दर्शाती है। किले का जय मंदिर, सुख निवास और गणेश पोल, शीश महल यहाँ आकर्षण का केंद्र है। अगर आप शीश महल को अंदर से देखेंगे तो इसमें आपको कई शीशे के घर नजर आएंगे। ये कुछ इस तरह से बना है कि इसके अंदर जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो शीशे से पूरे हॉल में रोशनी फैल जाती है और एक नेचुरल लाइट से पूरा हॉल जगमगा जाता है, जो अपने आप में अद्भुत है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी इसी किले में हुई है। इन सब के बाद अगर आप किले का शाही ढंग से मजा उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाथी की सवारी कर सकते हैं और राजस्थान के फोक म्यूजिक का लुत्फ उठाकर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। तो अगली बार आप जब यहाँ आए तो महल की रॉयल्टी को फील करने के साथ ही एलिफेंट राइड और फोक म्यूजिक का मजा भी जरूर लीजिएगा। जयपुर के किलों में से ही एक है नाहरगढ़ का किला। ये जयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की एक पहाड़ी पर बना है। इस किले को राजा जयसिंह द्वितीय ने 1734 में बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये किला यहाँ के एक राजपूत नाहर सिंह के नाम पर है। किले में राजाओं के शाही कमरे बने हैं, जो बहुत खूबसूरत है। अगर आप राजा महाराजाओं के रहन सहन शाही अंदाज को महसूस करना चाहते हैं तो आप यहाँ उस अंदाज को आकर महसूस कर सकते हैं। कहते हैं राजा सवाई राम सिंह की 9 रानियां थी, जिनके सवाई राम सिंह ने अलग अलग आवास खंड बनवाए थे, जिसे आज भी बहुत सुंदर ढंग से संजो कर रखा गया है। इस किले में अगर आप आए तो यहाँ के खास वैक्स म्यूजियम को भी जरूर देखें, जिसमें आपको मैडम तुषाद के वैक्स म्यूजियम की एक झलक दिखाई देगी। यहाँ आपको महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, कल्पना चावला, जैकी चैन, आइंस्टाइन जैसी हस्तियों के वैक्स स्टैचू मिलेंगे। इस किले की खूबसूरती शाम के समय और बढ़ जाती है, जिसका नजारा देखने लायक होता है। इस खूबसूरत किले में घूमने के बाद अगर आप थक कर चूर हो गए हैं तो किले के पश्चिम भाग में पड़ाव नाम का एक रेस्टोरेंट भी है, जहां आप अपनी थकान और भूख को मिटा सकते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाने पीने की काफी अच्छी फैसिलिटीज है। तो अगली बार आप जब भी जयपुर आए तो नाहरगढ़ के किले के शाही अंदाज को भी जरूर महसूस करिएगा। जयपुर में ही एक बेहद खास किला है जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर में अरावली पर्वत में चील का टीला नाम की पहाड़ी पर आमेर के किले और मावता झील के ऊपर बना है। ये किला जयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का एक अपना अलग इतिहास है। इस किले का निर्माण भी महाराजा जयसिंह टू ने 1726 में करवाया था। महाराजा जयसिंह टू ने इस किले को खास तौर पर आमेर के किले और महल परिसर की सुरक्षा के लिए बनवाया था। यहाँ राजपूतों के लिए तोपखाने के उत्पादन का काम किया जाता था, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तोपों का प्रोडक्शन हुआ करता था, और इसका नाम भी जयसिंह टू के नाम पर रखा गया है। इस किले को जीत का किला भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले देनी होती है एंट्री फीस, मतलब आपको टिकट खरीदनी होगी। उसके बाद जब आप किले के अंदर पहुंचते हैं, यहां आपको देखने को मिलेगी विश्व की सबसे बड़ी तोप, जो पूरी दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। किले में एक म्यूजियम भी है, जिसके अंदर आपको जयपुर के राजघराने के राजाओं, उनके सदस्यों के फोटोज, मोहर और कई कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, जिसको स्टैचू के रूप में दिखाया गया है।
किले में शस्त्रागार कक्ष भी है, जहां पर कई तरह की तलवारें, ढालें, बंदूकें, फौजियों की बंदूकें और 50 किलो की तोप गोले मौजूद हैं। जयगढ़ के इस किले की एक और बहुत खास बात है, किले में एक सेंटर वॉच टावर है जिससे आप आसपास के इलाकों का नजारा देख सकते हैं। तो जयगढ़ किले में आइए और देखिए राजा महाराजाओं के समय के तोपों के कारखानों को, कैसी थी उनकी सुरक्षा व्यवस्था। लीजिए यहाँ से आमेर शहर का पूरा नजारा। सो फ्रेंड्स, आज हमने एंजॉय किया है जयपुर के फोर्ट्स को। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, जयपुर का पूरी सफर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।